Good morning, my dear students. Welcome in class 12. Today we are going to discuss about your subject maths exercise number 5.1. ये बेटा मल्टीप्लीकेशन का चैप्टर है आपका. इससे पहले मैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ. अब हमारी क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा. फाइंड द आंसर्स. ओके, 9, 10, 15. देखिए इसमें क्या है, फाइंड द आंसर. आपने आंसर फाइंड आउट कर लिया. ओके, तो ये 9 times 15 लिखा हुआ है. तो 15 कितनी बार है? 9 times. ठीक है, तो मैं आपको एक करके दिखाती हूँ. यहाँ पे रफ में 9 times 15 है, तो 15 को हम 9 times ऐड करेंगे. 15 and 15 and 15 and 15 and 15 and 15 15. ओके, कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times हुआ है, 8 और ये 9. ओके, तो उसने लिखा क्या था? 9 and 15 लिखा है ना, तो हम इसको ऐड करेंगे. यहाँ को ये हो गया 30 30, ये 30, ये 30 और ये 15. ओके, तो 30 30 60. ठीक है, 30 30 60 एंड 15 कितना हुआ? 0 0 5 5 6 6 12 and 1 13. कितना हुआ? 135. और इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि 9 times 15, तो 9 multiplied by 15 कितना हुआ? 135. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. नेक्स्ट है हमारा 7 times 17. 7 times 17 का मतलब है 7 into 17. ओके, या 17 कितनी बार है? 7 बार. तो 17 7 बार, ये 7 बार 17, तो कितना हुआ? 119. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. थर्ड इज 3 times 19. तो 3 times 19 है, तो कितना हुआ इसका? 57. ओके, नेक्स्ट इज, इसके लिए आपको टेबल आने बहुत जरूरी है. 2 times 11. 2 times 11 वहां पर कितना हुआ? मल्टीप्लाई करेंगे 22. ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स. आंसर आएगा आपका. ठीक है, तो हम कैसे
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है? तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया. तो 9 tens are 90. ये 90 हो गया. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 8s are 9 8s कितना होता है? 72. तो आप इन दोनों को अब ऐड कर देंगे. 90 plus 72 is equal to 16. तो ये आ गया 162. इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका आई होप आपको ये समझ में आया होगा. ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है. जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो